24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। टाउनशिप वालों को बताया गया था कि रेलवे क्रॉसिंग पर दो टनल बनाए जाएंगे, परंतु अब पता चल रहा है कि एक ही टनल बन रही है, वह भी बेहद पतली और सकरी। सिंगापुर ग्रीन व्यू रहवासी निर्जा रॉय ने बताया कि रेलवे द्वारा टाउनशिप की ओर आने जाने का मार्ग बंद कर दिया गया और 4 किलोमीटर पथरीले मार्ग से अपने घर की ओर आना जाना पड़ता है। यह मार्ग बहुत खतरनाक और सुनसान है और महिलाओं को ऑफिस आने जाने में असुरक्षा महसूस होती है। सभी रहवासियों ने लसुड़िया थाने पर ज्ञापन दिया और सरकार व कलेक्टर से 2 टनल बनाने की मांग रखी। निर्जा रॉय ने बताया कि टाउनशिप के आसपास करीब 15,000 से 20,000 लोगों का रहवास है। सभी को एबी रोड आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रेम सिंह की रिपोर्ट। आप एक आवेदन हमें दीजिए और कल सुबह हम ठेकेदार से बात करेंगे कि अगर वाकई में पब्लिक को तकलीफ है तो अभी एकदम से उस काम को ना बढ़ाए, डिसीजन होने तक उसको रखें। और कलेक्टर साहब को भी इससे अवगत करवाएंगे, कुछ न कुछ इसका निराकरण। काम को नहीं सर, वो तो बंद ही कर दिया रास्ता, तो जो अंडर पास वाला बंद ही कर दिया पूरी तरह। क्राइम खत्म हो गया यहाँ का, देरी पे क्यों नहीं करना मुझसे, तो आप सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। वो कोई करने नहीं, आपको तो आपसे सिर्फ सहयोग के लिए आया। आप परिवार है हमारा, आप तो पॉजिटिव ही है आपके लिए, वो तो सिर्फ आपसे सहयोग चाहिए कि वहाँ पे धरना दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, इसके लिए मदद करने के लिए सर, आपने समय हर समय मदद करी है क्षेत्र की हमेशा से, आपने क्राइम भी खत्म करा, इसलिए तो आपके पास आए डायरेक्टली। जनता तो वैसे ही समस्याओं का निराकरण कराने में साथ, निराकरण करवा देंगे, आवेदन बना रहा है वो, आवेदन करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चलो ठीक है, 1,000 बार भी बोलेंगे तो वही बात है। हमें जो भी वैकल्पिक मार्ग दिया गया, वो भी 4 किलोमीटर लंबा, बेहद कंकड़ीला पथरीला, जिस पर लोग रोज़ गिरते हैं, लोगों के सिर मुंह टूटते हैं, लेकिन हम ये सोच के संतोष कर रहे थे कि रेलवे जब भी हमको टनल बना के देगी, वो हमको 2-वे टनल बना के देगी। लेकिन जब आज हमें ये पता चला कि 1-वे टनल दे रही है, तो हम सब ने ये निश्चित किया कि कल हम धरना प्रदर्शन करेंगे रेलवे के अगेंस्ट। तो हम सब हमारी मुख्य मांग है कि हमें एबी रोड से कनेक्ट करने के लिए एक ढंग का मार्ग दिया जाए, या तो रेलवे टनल को डबल ट्रैक करें जिसमें आने और जाने का अलग अलग रास्ता रहे, और या तो जो रेलवे फाटक है उसको खोल दें। और रेलवे टनल जब डबल मार्ग दे रहे हैं, तो ओवरब्रिज का एक प्रोजेक्ट आया था जिसका क्या हुआ आज तक हमें पता नहीं, या तो हमें एक ओवरब्रिज बना करके दें। लेकिन हमें अभी तुरंत में रेलवे टनल डबल ट्रैक की आवश्यकता है, तो प्लीज़ हमारी प्रार्थना सुनी जाए। नमस्कार, मैं नीरजा राय, मैं सिंगापुर ग्रीन व्यू टाउनशिप निवासी हूँ, और हमारी टाउनशिप को एबी रोड से एक रेलवे टनल जोड़ती थी, जिसको रेलवे वालों ने अभी 10 दिन से काम के लिए बंद कर दिया। हमें ये बताया गया कि हमें डबल रो टनल मिलेगी, लेकिन जब हमें आज पता चला हमें सिंगल रो ही टनल दे रहे हैं, और वो भी 60 फीट लंबी, जिसमें कि कोई भी बड़ी गाड़ी आ जा नहीं सकती है, यहाँ तक कि स्कूल बसों ने आने से मना कर दिया है। रेलवे ब्रिज पर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करेंगे, जिसके लिए आज हमने मांगलिया थाने में ज्ञापन भी दे दिया है, और थानाध्यक्ष जी से, संतोष दुद्दी जी से बात भी हो गई हमारी। मेरा बस निवेदन ये है DM से और जो भी रेलवे के अधिकारी हैं, वो हमारी समस्या को संज्ञान में लें। हम महिलाएं हैं और हम रोज़ बहुत डर डर के ऑफिस आते जाते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा असुरक्षा की भावना महसूस होती है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें।